हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे गोल्ड का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो फ्राइडे के दिन गोल्ड बंद हुआ है लगभग 50,112 पे, लगभग 300 पॉइंट नीचे, हाफ परसेंट नीचे बंद हुए हैं हम, मगर सक्सेसफुली 50,000 मार्क के ऊपर बंद होने में हम कामयाब रहे। तो चलो देखते हैं चार्ट, और चार्ट से देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। तो शुरू करें मंथली चार्ट से। तो मंथली चार्ट पे आप देख सकते हो एक बड़ी सी ब्लू कैंडल, तो यहाँ हमने लगभग 5% का गेन देखा है, और हम जो है तो जो 51,600 का मार्क है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। जिस तरह से इक्विटी में रिस्क ऑफ ट्रेड हो रहा है, तो गोल्ड में रिस्क ऑन ट्रेड हो रहा है ड्यू टू ग्लोबल रिस्क, जो US रशिया के बीच में टेंशन यूक्रेन की वजह से, और पॉसिबल वॉर जो है तो वो इमिनेंट है। इसका मतलब जो है तो वॉर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसके वजह से जो है। और दूसरा फैक्टर है इसके लिए इन्फ्लेशन, जो ग्लोबली इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसके वजह से गोल्ड में जो है तो अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशन बन रही है। यहाँ जो है जिस तरह से मंथली चार्ट है उस तरह से लगता है कि हम जो है तो 51,686 का लेवल तो डेफिनेटली देखेंगे, और हो सकता है उसके ऊपर ब्रेकआउट आ जाए तो हम इस साल के जो इन्वेस्टमेंट टारगेट है वो अचीव कर लेंगे। तो पहला टारगेट रहेगा 52,800 का, और लास्ट जो टारगेट रहेगा वो रहेगा लगभग 55,500 का। तो ये जो टारगेट है ये हो सकता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ही आ जाए, और उसके बाद में फिर गोल्ड करेक्शन में जा सकता है। तो यहाँ जो इन्वेस्टर है उनके लिए सलाह होगी कि 51,600 पे 650-600 के अराउंड जो है तो लगभग आपका 50% बुक कर लीजिए, 50-60%, और जो बाकी का 40% है तो वो इन लेवल के लिए आप वेट कर सकते हो। जिन्हें बुक करना है उनके लिए ये सलाह रहेगी, जिन्हें नहीं बुक करना वो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड का जो मेरा टारगेट है लॉन्ग टर्म वो है लगभग 86,000 to 90,000 के बीच में। तो वो टारगेट हमें शायद देखने को मिल सकते हैं। अगर इसके ऊपर गए हम 55,500 के ऊपर अगर हम क्लोजिंग देते हैं मंथली और वीकली बेसिस पे, तो वो टारगेट खुल जाएगा, और वो टारगेट रहेगा लगभग उसके बाद पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 66,000 का, और लास्ट जो टारगेट रहेगा इसका फाइनल जो टारगेट मुझे जो लगता है वो रहेगा 85,000 प्लस का। तो यहाँ देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हम कहाँ तक जाते हैं। इस साल मुझे नहीं लगता कि उतना आएगा, मगर कह नहीं सकते क्योंकि स्केल ऑफ द वॉर कितना रहता है और बाकी के फैक्टर कैसे रहते हैं उसके ऊपर रहेगा। मगर अभी जो है तो गोल्ड बाय में ही है, और यहाँ हमने अच्छा खासा बेस बनाने के बाद रिवर्सल दिया है। तो यहाँ 51,600 उसके बाद में 52,800 और फाइनली 55,500 के टारगेट हमें गोल्ड में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन के बाद हम जो है तो अच्छा खासा बेस बनाया, और अभी जो है तो गोल्ड ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। तो अभी इस ब्रेकआउट के ऊपर जो मैंने टारगेट बताए वो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं 51,000, उसके बाद में 52,800, और लास्ट में जो है तो 55,500 के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इन टारगेट के लिए आप लॉन्ग रहिए, यहाँ बाय ऑन डिप्स एंड एक्युमुलेशन स्ट्रेटजी रहेगी मीडियम टू लॉन्गर टर्म के लिए। अभी देखते डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे गोल्ड ने इस महीने के सभी टारगेट अचीव कर लिए, और अभी यहाँ जो है तो हमने करेक्शन की कोशिश की थी। आप देख सकते हो कि हमने अच्छा खासा करेक्शन भी दिया था 1% का, और नीचे के लेवल को टच करने की कोशिश की थी, मगर जिस तरह से वॉर के न्यूज़ आ रहे हैं और बाकी के फैक्टर हैं तो मुझे नहीं लगता कि अभी फ़िलहाल तो गोल्ड की प्राइस नीचे आएगी। तो यहाँ जब तक गोल्ड जो है तो 49,600 के ऊपर है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं उनके लिए सलाह रहेगी कि बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। यहाँ वोलेटिलिटी बहुत एट द पीक रहेगी, मिनिमम मतलब वोलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ थोड़ा सा दोनों तरफ के भी आपको ट्रेड देखने को मिल सकते हैं, मगर जब तक 49,600 के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं तब तक आपको गोल्ड में लॉन्ग ही पोजीशन लेनी है। उसके नीचे करेक्शन और कंसोलिडेशन की ज़्यादा संभावना है। तो जब तक हम 49,600 के ऊपर हैं लॉन्ग रहिए गोल्ड में। आपके जो टारगेट रहेंगे जैसे मैंने बड़े चार्ट पे दिखाया 51,600 का हमारा टारगेट रहेगा। तो करंट लेवल से आपको जो है तो 1600 से 1800 रुपए का टारगेट मिल सकता है
गोल्ड में, और यहाँ जो है तो उसके नज़दीक खरीदने की कोशिश कीजिए, 49,600 के नज़दीक खरीदने की कोशिश कीजिए, आपको जो है तो रिस्क कम रहेगा। और जब ये ट्रेड लेंगे उसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा आपका 49,200 के नीचे, तो यहाँ रिस्क के 400 पॉइंट की और रिवॉर्ड है लगभग 1600 से 1800 पॉइंट का, तो अच्छा ट्रेड बन बैठता है, मगर आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा 49,200 के नीचे, और आपको खरीदना है 49,600 के अराउंड, उसके नज़दीक जितना खरीदता आएगा उतने खरीदें, और आपका जो टारगेट रहेगा, ये टारगेट आपको कम से कम 1 से 2 हफ्ता लगेगा ये टारगेट अच्छा होने के लिए। अगर जो रिस्क ऑन ट्रेड है वो स्ट्रांग रहा तो हो सकता है कि ये टारगेट अगले ही हफ्ते हमें देखने को मिल सकता है, मगर आपको ये पोजीशन कम से कम 1 से 2 हफ्ते के व्यू से बनानी पड़ेगी। आपको खरीदना है 49,600 के अराउंड, स्टॉप लॉस रहेगा 49,200 के नीचे, टारगेट रहेगा हमारा 51,600 to 800 के अराउंड। तो आई होप सो कि ये जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अगले वीक। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।